तो जी आज हम निकल पड़े हैं मसूरी की उस पहाड़ी पे जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। जी हाँ, जिसका नाम पड़ा था सर जॉर्ज के नाम पे। और आज मेरा इस सफर पे साथ देंगे मेरे प्रिय मित्र सुहर्ष। हेलो जी, मेरा नाम है विनीत। चलो चलते हैं। सफर शुरू करने से पहले मैंने अपना बस्ता निकाला और कुछ उसमें जरूरी सामान डाला। सो एम आई रेडी? बोन रेडी। काफी दिन बाद जब मैं रिक्शे में बैठा तो कसम से पूरी वाइब्स ही बदल गई। इस ट्रैक को प्लान करते वक्त हमने कई टाइम बदले, पहले कल से आज, आज से 9 बजे, फिर 9 से 10 और फाइनली 11 बजे। बट फाइनली थैंक गॉड अब हम निकल चुके हैं और अब रास्ते पे। भैया कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? किमाड़ी से ही। गाड़ी वहीं से लेके आते हो? कब तक लगाओगे फिर? रात को जाते हो? इस सफर में पहाड़ की चाय, मैगी और दोस्त से गप्पे नहीं मारे तो बाबू क्या ही किया, क्योंकि असल में सारे पैसे तो इन नजारों के ही हैं। हमारे यहाँ से तो गलती थी, रेहान तुहान सर जब याद होगा, बुड्ढा था रड्डू को बोला भी, सॉरी रड्डू नाचा था ना उसे उसमें प्रेशर में क्या बेटा, ये ठुमके ठुमके तेरे को कहीं नहीं जाएंगे। और अपनी कंपनी में अब जितनी गाड़ी चलानी थी उतनी चला ली है। यहाँ से अब हमारी पथयात्रा होती है शुरू, जो कि हमें सीधा पहुँचाएगी पहाड़ी की चोटी पे। यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि सर जॉर्ज की जो लेबोरेटरी थी अब उसको तब्दील करके एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों शोरों से है। यहाँ पे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब जॉर्ज एवरेस्ट में कम से कम 2 या 2.5 साल बाद आ रहा हूँ। यहाँ पे था ना, यहाँ पे बैटरियाँ रखा जाता था, मतलब यहाँ पे पहले यही था बस, यहाँ से आते थे ऊपर छत छत पर चढ़ सकते थे। ये सब नया बन रहा है पीछे। असल में अभी हमें चौखट पे और हमें जाना है उस चोटी पे। यहाँ मैं पहले भी आ रखा हूँ, पर आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल उतना ही है जितना पहली बार था। यहाँ के तिब्बतन फ्लैग्स, ये खुला आसमान और यहाँ की हवाएं, मन खुश हो जाता है। यहाँ की हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसकी चोट मेरे कैमरे को भी खानी पड़ी। नीड से फिजिकल इमोशनल होती कई सारी ना, बहुत लोगों की ऐसी भी होती है क्या, उधर से टेम्परेरी शॉर्ट टर्म इमोशनल स्टेबलाइजेशन की भी होती है। पता भाई तुम किसी की दवाई क्यों बन रहा हो और किसी का गंद अपने दिमाग में क्यों लेगा? अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करो और खुश रहो, ये भी अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस जगह जाते हैं वो जगह हमें कुछ सिखा देती है, और इस जगह से मैंने ज़रूर एक चीज़ सीखी है। ये पहाड़ कला और निष्ठा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक इंसान ने दुनिया की भीड़ भाड़ से भी अलग निकल के इतिहास रच दिया। सर जॉर्ज का काम वाकई काबिले तारीफ है। मेरा नाम है विनीत, मिलते हैं बहुत जल्द। नीचे आ गए पहाड़ से अभी। ये जो ट्रैक था हमारा छोटा सा, ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मैं काफ़ी टाइम से घर से बाहर नहीं निकला था और थोड़ा एस्केप चाहिए था, तो सुहर्ष मेरे साथ आ जाया था। सुहर्ष वैसे कैमरे पे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा है, तो इट्स बेटर कि वो ना ही आए। बट हाँ, ऐसा ना लगे आप लोगों को कि कौन ऐसा आ रहा है भाई कुरकुरे लेने गया।